41 ओवर 211 रन और केवल 2 विकेट। ऐसा लगा कि इंग्लैंड पाकिस्तान के 366 रनों के सामने एक बार फिर रनों का पहाड़ खड़ा करने वाली है, लेकिन तभी विकेट गिरता है जो रूट का और उसके बाद बेसबॉल शॉक हो जाता है। पाकिस्तान के स्पिनर रॉक कर जाते हैं क्योंकि 41 ओवर में जो 211 था वो 45 ओवर में 225 पर 6 हो जाता है। ऐसे देखते देखते जो रूट का विकेट गिरता है, जो रूट के बाद बेन डकट जाते हैं, डकट के बाद हैरी ब्रूक जाते हैं और हैरी ब्रूक के बाद खुद कप्तान बेन स्टोक जो है वो पवेलियन चले आते हैं। बेन डकट शतक मारकर आउट होते हैं, बेन स्टोक 1 रन बनाते हैं, हैरी ब्रूक 9 रन बनाते हैं और जो रूट पहले 34 पे चले आते हैं। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया और इस मैच में एक बार फिर से जान डाल दी, क्योंकि अगली सुबह तीसरे दिन अगर पाकिस्तान के स्पिनर्स इंग्लैंड के बल्लेबाजों को 250 तक निपटा जाते या 250 के अंदर निपटाते हैं तो फिर 100 रनों की लीड लेकर वो इस मैच को जीत सकते हैं दूसरी पारी में 200-250 रन बनाकर। ये पिच जिस तरह से टर्न हो रही है अंग्रेजों के लिए मुसीबत बढ़ रही है, लेकिन आज का दिन पाकिस्तान के स्पिनर्स के नाम था और खुश पाकिस्तान के सेलेक्टर होंगे जिन्होंने शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह या बाबर को बाहर बिठाया था, क्योंकि हर वो फैसला जो इस मैच को लेकर पाकिस्तान के सेलेक्टर्स ने, पाकिस्तान के मैनेजमेंट ने लिया था वो बिल्कुल सटीक साबित हो रहा है। पाकिस्तान 366 बनाता है, कामरान उसमें कमाल करते हैं और उसके बाद कमाल जो है वो पाकिस्तान के स्पिनर्स करते जाते हैं और फिलहाल पाकिस्तान के स्पिनर्स जो हैं वो टॉप पर हैं, मैच उनकी पकड़ में है। 127 रन अभी बाकी है, 4 विकेट बाकी है, 211 से 225 पर 6 जाना पाकिस्तान के लिए मैजिक है और इंग्लैंड के लिए ये ट्रेजिक हो गया। लोग कह रहे हैं कि भाई साहब डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत दो, क्योंकि कामरान गुलाम ने पहले शतक ठोका, साजिद खान, नुमान अली ने पाकिस्तान के लिए वो किया जो पाकिस्तानी इंतजार कर रहे थे। मतलब साजिद खान 42 से 44 ओवर के बीच में वक्त बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं, हालात बदल देते हैं। अगर आप उनके 2 ओवर देखेंगे आखिरी के 42वां 44वां, तो 0 सिंगल विकेट, सिंगल चौका 0 और आखिरी ओवर पहली बॉल पर विकेट, 2 डॉट बॉल, 1 रन, 0 रन और फिर विकेट। आखिरी के 2 ओवर में साजिद ने 3 विकेट निकाल दिए। जो रूट 34 पर गए, हैरी ब्रूक 9 पर गए, ओली पोप 29 पर गए, खत्म कर दिया भाई साहब इस आदमी ने। साजिद खान ने इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को डिस्ट्रॉय किया और मैच में जान डाल दी। नुमान अली ने बेन स्टोक्स को आउट किया। इंग्लैंड के कप्तान इस मैच से वापसी कर रहे थे और आते ही वापस हो गए। पाकिस्तान जिसने 11 टेस्ट मैच घर पर नहीं जीते हैं आखिरी के, वो इस मैच में जीत की उम्मीद लगाए बैठा है। इस मैच में जीत सकता है। साजिद नुमान ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि स्पिन पिचेस पर कैसे कमाल हो सकता है। मतलब इंटरेस्टिंग है यार, इंटरेस्टिंग है क्या, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। साजिद खान ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, पाकिस्तान इस मैच में फिलहाल आगे है। अगर पाकिस्तान यहां से जीतता है तो उसमें साजिद की बड़ी भूमिका हो सकती है सेकेंड इनिंग की गेंदबाजी में भी। बट ये मैच इंटरेस्टिंग हो चुका है क्योंकि शुरुआत इंग्लैंड ने बड़ी जबरदस्त की थी। इंग्लैंड ने आगते ही ताबड़तोड़ रन बनाए, बहुत बेहतरीन पारी चल रही थी। मतलब अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड क्रिकेट का डोमिनेंस जो है वो इस मैच में दिख रहा था। बेन डकट अच्छा खेल रहे थे, शुरू में जैक क्रॉली के साथ ठीक ठाक पार्टनरशिप हुई, ओली पोप ठीक ठाक थे, फिर रूट और डकेट तो काफी अच्छा खेल रहे थे। हालांकि यहां की पिच को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन फिर भी अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी। लेकिन फिर वो ओवर आते हैं जिसमें सारी कहानियां पलटती हैं और साजिद और नुमान फिलहाल डोमिनेट कर जाते हैं। पाकिस्तान ने इस मैच में 4 स्पिनर खिलाए हैं जिसमें साजिद खान, नुमान अली, जाहिद महमूद, आगा सलमान और भी उनके पास कोटे पड़े हुए हैं बॉलर्स। उनके तेज गेंदबाज इकलौते आमिर जमाल ने 6 ओवर किए जिसमें काफी महंगे साबित हुए, लेकिन बाकी जो लड़के हैं वो कमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान यहां से जीत की उम्मीद कर सकता है। मुल्तान टेस्ट पाकिस्तान जीत सकता है। 366 रन पाकिस्तान के, कामरान गुलाम 118, सैम अयूब 77, कोई बड़ा नाम नहीं, लेकिन उसके बावजूद इनकी परफॉर्मेंस बड़ी थी। इंग्लैंड इस मैच में डोमिनेट कर रही थी लेकिन अब बैकफुट पर है, 239 पर 6, अभी भी ठीक ठाक रन उन्हें बनाने हैं और अगर उनके अर्ली विकेट्स गिर जाते हैं कल सुबह तो फिर ये मैच
पाकिस्तान की फेवर में जा सकता है। साजिद खान ने 4 विकेट, नुमान अली ने 2 विकेट, और इसी के साथ उनकी टीम जो है वो काफ़ी बेहतर डोमिनेटिंग सिचुएशन में। क्या शान मसूद जो लगातार 6 मैच हार चुके हैं वो ये मैच जीतेंगे? क्या पाकिस्तान हार की स्ट्रीक को खत्म कर पाएगी? इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। बट फिलहाल ये मैच जो है ये टॉप पे चल रहा है, मजा आ रहा है। टेस्ट मैच अभी अच्छे जोन में आ गया है। इस मैच में पाकिस्तान को लेकर इंटरेस्ट है, देखते हैं हार जीत किसकी होती है। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान के स्पिनर्स रॉक करेंगे, बेसबॉल शॉक होगा, या बेसबॉल रॉक करेगा और हर बार की तरह सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान शॉक होगा? व्हाट्स योर टेक, कमेंट कीजिए।